झी 24 तास एक पाऊल पुढे। हाय फ्रेंड्स, मी विशाल पाटील, झी 24 तास मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत। एंटरटेनमेंट मधल्या धमाल न्यूज, गॉसिप्स, फर्स्ट लुक, न्यू रिलीजेस अशा सगळ्या बातम्यांवरती आहे आमचा स्पॉटलाइट। सो चला तर मग सुरू करूयात हा धमाकेदार एंटरटेनिंग शो स्पॉटलाइट। मर्डर 3 हा सिनेमा लवकरच रिलीज होणार आहे। खरं तर कोणत्याही सिनेमाचा सिक्वेल आणताना त्यातील नाविन्य जपणं हे खूपच कठीण काम असतं, मात्र मर्डरचे दोन्ही पार्ट हिट ठरले त्यामुळेच मर्डर सिनेमाच्या तिसऱ्या पार्टची देखील प्रेक्षकांना खूपच उत्सुकता लागलेली आहे। तेव्हा याच निमित्तानं महेश भट यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत। जो है उसका खत्म होना जरूरी है। मर्डर आणि मर्डर 2 नंतर आता मर्डर सिरीजला मर्डर 3 आपल्या भेटीला येतोय आणि या निमित्तानं आपल्या सोबत आहे दिग्दर्शक महेश भट। महेशजी, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं झी 24 तास मध्ये। धन्यवाद महेशजी। मर्डर 3 पुन्हा मर्डर सिरीज मधला एक वेगळा सिनेमा, काय सांगावं असं वाटत? फार छान फिल्म आहे मर्डर। हमारी मर्डर फ्रँचाइज की तिसरी ऑफरिंग है। मला असं वाटतं की हे पण हिट होणार। मैं इस शहर में अकेला रहता हूं। मैं कहीं पे देखा जाए तो आपने एक इवेंट में कहा था कि अर्थ जो आपकी फिल्म है उसे कहीं पे रिलेट होती है फिल्म, उस बारे में क्या? अर्थ में हमने शादी की संस्था को कटघरे में खड़ा करके कुछ तीखे सवाल पूछे थे कि क्या शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें औरत हमेशा हमेशा के लिए जाके सुकून ही पाती है, सुरक्षित हो जाती है हमेशा ज़िंदगी भर के लिए। और उत्तर मिला था कि नहीं, शायद वो जो मंजिल जिसकी तलाश होती है औरत को, वो शादी से प्राप्त नहीं होती है। शबाना आज़मी का उस फिल्म में किरदार बहुत कमाल का था। आखिरकार वो अपने पैरों पर खड़े होती है और ज़िंदगी में अकेले सफ़र करना शुरू करती है। उसी तरह हमने 2013 में आज के मॉडर्न जनरेशन को मद्देनज़र रख के एक ऐसी कहानी बनाई है जिसमें प्रेम की धारणा को हमने क्वेश्चन किया है, क्योंकि प्रेम के जो कंस्ट्रक्ट हमको दिए गए, हमारे बड़ों ने दिए हैं कि एक औरत एक मर्द का रिश्ता ताउम्र चलता है, ऐसा हमने देखा होता नहीं है। रिश्ते चलते नहीं हैं। जिस किस्म की वफादारी आप उनकी उम्मीद होती है वैसे लोग मिलते नहीं हैं आपको। तो हमने सारे इन लव के पहलुओं को छूकर ये फिल्म बनाई है, मगर बहुत ही ड्रामेटिक फिल्म है ये। जी एक स्पैनिश थ्रिलर आहे, या स्पैनिश थ्रिलर ने इंस्पायर्ड होऊन हा सिनेमा करण्यात आला? हमने इसकी राइट्स खरीदी है। एक स्पैनिश फिल्म है, इसका अंग्रेजी नाम हिडन फेस है, द हिडन फेस। वो फॉक्स की ही प्रॉपर्टी है, मगर उसको हमने अपने हिंदुस्तानी माहौल में इंटरप्रेट किया है। गानों के अलावा उसकी जो रूह है, उसकी जो आत्मा है, वो हिंदुस्तानी है। वहाँ बाथरूम से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। इस घर में कोई है? कौन? जी मर्डर में, मर्डर 2 में हम लोगों ने इमरान हाशमी को देखा और मर्डर 3 में रणदीप हुड्डा है। कुछ अलग था दिमाग में कि कास्ट के बारे में? इमरान को हमने फिल्म ऑफर की थी मगर इमरान ने उसे ना कर दी, क्योंकि उसको लगा कि ये कहानी जो है वो एक हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अनफोल्ड होती है और वो एक बड़ी फिल्म करना चाहते थे जो इसे 100 करोड़ के ब्रैकेट में पहुँचा दे। तो उसको लगा कि शायद ये वो व्हीकल नहीं है, इसलिए हमने उसे नहीं लिया और हमने रणदीप को लिया। महेश जी, तुमचे जे सिनेमे असतात ते मोस्टली फीमेल ओरिएंटेड अनेक सिनेमे आहेत जे तुम्ही बनवता। नॉर्मली हम लोग बॉलिवूड फिल्में देखे तो विमेन ओरिएंटेड फिल्में बहुत कम बनती है। इसके बाद में कुछ प्लान है विमेन ओरिएंटेड सिनेमा करना? इसमें हीरोइन जो है सेंटर स्टेज पे है और जैसे आपने सही फरमाया कि मेरी फिल्मों में हीरोइंस मेजर रोल प्ले करती हैं। हमारे फिल्मों में हीरोइन सब्जेक्ट होती हैं, हम उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते जैसा लोग अक्सर करते हैं बड़ी बड़ी फिल्मों में। हम हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में बनाते रहेंगे क्योंकि हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब फिल्म
अनफोल्ड होती है तो उसका ड्रामेटिक पंच भी होता है, और जो फिल्म औरतों को अच्छी लगती है वो बहुत बड़ी कामयाब होती है। जी हमेशा अलग कास्टिंग की है आपने, शुरुआत से देखा जाए तो शबाना आजमी हो चाहे स्मिता पाटिल हो, बड़े बड़े हीरोइंस के साथ आपने काम किया है, टैलेंटेड हीरोइंस के साथ। आज के दौर में बॉलीवुड में आप देखते हैं ऐसे कोई टैलेंटेड हीरोइंस आप, मतलब जिसमें ऐसा हुनर हो उनके उनके लेवल से जिनका लेवल मिले? बहुत सारी हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है कि किसी एक एक्ट्रेस के चले जाने से फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी पर फुल स्टॉप लग जाता है, ऐसा नहीं है। विद्या बालन बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और ये जो है अदिति, बहुत उसने कमाल का काम किया। मुझे लगता है कि ये एक मेजर सरप्राइज होगी हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए। मैं तो उसे 21वीं सदी का हमारे हिंदुस्तान की नूतन कह के पुकारता हूँ। शी इज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म। एक आखिरी सवाल, फिल्म की जो टैग है, टैगलाइन है, वो दिस वैलेंटाइन लव विल बी मर्डर्ड, ये बहुत अलग अंदाज है। ये मतलब ये लव की जो आपके भ्रम है, इल्यूजन है, जिस तरह आप बचपन में कुछ लोग हैं सांता क्लॉज की धारणा में यकीन रखते हैं, फिर उम्र बढ़ती है तो मालूम पड़ता कोई सांता क्लॉज है नहीं, माता पिता ही लाके आपको देते हैं, और फिर आपके भ्रम टूटते हैं। आप जिस प्रेम को अमर समझते हैं, जब वो समाप्त होता है, दिल टूटता है, तो लगता है कि जिंदगी से आपका एक तीखा रिश्ता जुड़ता है। तो मर्डर थ्री कुछ ऐसा ही करेगी, आपके प्रेम की उस धारणा को, उस भ्रम को, उस झूठ को, खुशफहमी को तोड़ेगी, मगर आपके अंदर एक नया एहसास भी जगाएगी, आपको झंझोड़ के आपको अपने पैरों पे खड़ा भी करेगी। एक लड़की की लाश मिली है। ये सब क्या हो रहा है विक्रम? अगर उसे कुछ हुआ तो जान से नहीं करूंगा, जान से मर दूंगा। रोशनी लिफ्ट में, पुलिस को लगता है कि मैंने उसे यहाँ दफना है। विक्रम से दूर रहो, शक की सुई के सामने सर विक्रम है, प्राइम सस्पेक्ट। नो, ही इज इनोसेंट। जी खूब खूब धन्यवाद आमच्याशी इतके आपुल के नहीं तुम्ही बोलला आणि या फिल्म साठी तुम्हाला ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। मर्डर थ्री हा सिनेमा लवकरच चित्रपट गृहांमध्ये जाऊन पहा। जी 24 तासासाठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शैलेंद्र लांजेकर सह जयंती वाघरे, मुंबई। जी 24 तास एक पाऊल पुढे।